अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कमांडर सिटी के हवाले से कुछ मजीद इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दी है, लेकिन उस वीडियो के अंदर कुछ चीज़ें इनकम्प्लीट थी, तो मैंने कहा इस वीडियो को आप एक पार्ट टू समझ लें उस वीडियो का, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको मजीद इन्फॉर्मेशन देने लगा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तमाम आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कमांडर सिटी के अंदर बहुत सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। कमांडर सिटी के अंदर सबसे बड़ी फैसिलिटी, मेरे से बहुत लोग सवाल पूछते हैं तो मैं दोस्तों कमेंट दिखा नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि कमेंट दिखाया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर दूँ, तो वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मेरे से किसी ने पूछा था यहाँ पर पार्क वगैरह मौजूद हैं कमांडर सिटी के अंदर। बिल्कुल दोस्तों, पार्क मौजूद हैं कमांडर सिटी के अंदर। यहाँ पर तकरीबन एक पार्क नहीं, दो से तीन पार्क मौजूद हैं। एक पार्क कमांडर सिटी के अंदर आपको सेंट्रल पार्क मिलता है, जो कि कमांडर सिटी के बिल्कुल दायरे में आ जाता है। ये आपको कमर्शियल के अंदर से निकलकर, ये जो कमर्शियल आई ब्लॉक इन्होंने बनाया हुआ है और साथ में पेट्रोल पंप है, उससे सीधे सीधे जब आप जाएंगे तो आपको सेंट्रल पार्क मिल जाएगा। ये सेंट्रल पार्क खास तौर पे इन लोगों ने फैमिलीज के लिए बनाया है, ताकि फैमिलीज आकर इसको अवेल कर सकें। बाकी फजूल लोगों का उठना बैठना, जो जैसे मेल्स वगैरह आ जाते हैं, मतलब अब्यूज करते हैं, ऐसे लोगों को इंटर होना मना है बिल्कुल। ये फैमिली पार्क है एक तरह से। अच्छा दोस्तों, दूसरा पार्क है इन लोगों का बिल्कुल मेन गेट के साथ है, वो पार्क विजिटर्स पार्क है। और वहां पर कोई आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं मिलेंगी, कोई पूछताछ नहीं है, वहां पे आप बैठ सकते हैं। नो मैटर दैट यू कम विद फैमिली और विदाउट फैमिली, आप भले फैमिली के साथ आएं या फैमिली के बगैर आएं, वहां पर आपको मना नहीं है। अच्छा, एक तीसरा पार्क इन लोगों ने बनाया हुआ है, जब आप ए ब्लॉक की तरफ जाएंगे तो वहां पर भी आपको एक सलीब मिल जाएगी। इन लोगों ने सीधा सीधा पार्क बनाया हुआ है वहां पर, मतलब वहां पर झूले वगैरह भी लगे हुए हैं और वहां पर बड़ी इंजॉयमेंट करते हैं लोग। अच्छा दोस्तों, मेरे से और किसी ने कमेंट्स में पूछा था कि यहां पर पेट्रोल पंप मौजूद है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ पर पेट्रोल पंप भी मौजूद है कमांडर सिटी के अंदर। और पेट्रोल पंप के साथ साथ जहाँ पे पेट्रोल होता है उसके अंदर डीजल भी इन लोगों ने रखा हुआ है। अच्छा दोस्तों, पेट्रोल पंप पे यहाँ पर लोग डेली बेसिस पर यहाँ पर पेट्रोल भरवाते हैं कमांडर सिटी के अंदर, और यहाँ पर पेट्रोल का अभी तक कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया जिसकी वजह से कहा जाए कि यहाँ पर कोई अभी कोई कमी है। अच्छा दोस्तों, मेरे से पूछा था दूध दही की दुकानों का, तो मैं आपको बताता चलूं कि दूध दही की दुकानें यहाँ पर जगह जगह मौजूद हैं। तकरीबन 6 से 7 दुकानें यहाँ पर दूध दही की हैं, और यहाँ पर परचून वगैरह की दुकानें बड़ी ही ज़्यादा, मतलब आपको मिल जाएंगी कमांडर सिटी के अंदर, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। दूध दही की तो बिल्कुल टेंशन नहीं है, यहाँ पर सुबह खुलती है और रात को जाके बंद होती हैं दुकानें। और यहाँ पर होटल्स का मेरे से किसी ने पूछा था, यहाँ पर होटल मौजूद है जहाँ पे मतलब कोई विजिट के लिए आए तो वहाँ पर मतलब खाना वगैरह खा सके। ये तो नहीं है कि अगर हाईवे भी बनी हुई जो जगह वहाँ पर होटल भी ना हो, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर होटल भी मौजूद है। और यहाँ पर एक मतलब इन लोगों ने रेस्टोरेंट भी बनाया हुआ है सेंट्रल पार्क के अंदर, जहाँ पर लोग फास्ट फूड वगैरह भी मतलब खाया करते हैं वहाँ बैठ के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर होटल्स भी मौजूद हैं, रेस्टोरेंट भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, मेरे बताने से इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तब पड़ेगा जब आप खुद आके कमांडर सिटी को विजिट करेंगे, वो बात अलग होगी। जब आप खुद आके विजिट करेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है। लेकिन कुछ लोग जो सफर नहीं कर सकते, उनके लिए हम लोग हैं कि यहाँ पर अपडेटें देते हैं कि यहाँ की क्या सिचुएशन है। बाकी वीडियोस तो मैं बनाता रहता हूँ, लेकिन कुछ फेस रिवील के साथ भी मुझे कुछ लोगों ने बोला था, तो मैं इसलिए फेस रिवील कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, मेरे से और लोगों ने पूछा था यहाँ पर, मुझे कमेंट्स सारे याद है, सिर्फ शो किया तो वीडियो लंबी हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मेरे से किसी और ने पूछा था कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के हवाले से। तो दोस्तों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज यहाँ पर फिलहाल मौजूद नहीं है, लेकिन उसका इन लोगों ने इश्यूएंस ये की है कि यहाँ पर ये बनना शुरू होंगे। अभी इन लोगों ने इश्यूएंस ये कर दिए कि यहाँ पर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन मौजूद हैं, जहाँ पर काम शुरू हो चुका है, इनके हिसाब से ये बात की जा रही है। और मेरे हिसाब से भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज यहाँ पर बन रहे हैं, और साथ में यहाँ KFC वगैरह, मैकडोनल्ड वगैरह की भी यहाँ पर मतलब आगे पब्लिश करवा रहे हैं, इन लोगों का यही दावा है। बाकी आप खुद आके विजिट करें, आपको सारा अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, मेरे से किसी साहिबा ने कमेंट करके पूछा था कि यहाँ पर मदरसे वगैरह मौजूद है, जहाँ पर बच्चों को दुनियावी तालीमात के साथ दीनी तालीम भी दी जाए। तो बिल्कुल, यहाँ पर मदरसे भी मौजूद हैं, मस्जिद के अंदर इमाम साहब का अपना सेटअप है, जहाँ पर वो बच्चों को कुरान पाक की तालीम देते हैं। मेरा छोटा भाई खुद जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर इमाम साहब ने पूरा सेटअप बनाया हुआ है, और वहाँ पर आप अपने बच्चों को दीनी तालीमात दे सकते हैं। मदरसा बिल्कुल यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर लेडीज़ वगैरह का भी सारा इंतज़ाम मौजूद है, बाकी वो अपना देख सकते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो एजुकेशनल पर्पज़, मैं पिछली वीडियो में सब आपको बता चुका हूँ उस हवाले से। और साथ में अब पार्ट टू में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कमांडर सिटी के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज़ के साथ जो मतलब वैसे ही होती हैं गेमिंग वगैरह, उसकी एक गेमिंग जोन भी बनी हुई है कमांडर सिटी के अंदर। वहाँ पर डेली बेसिस पे बच्चे आते हैं, यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त माहौल है दोस्तों। माहौल का थोड़ा आपको बताता चलूँ, यहाँ पर बच्चे शाम को खेलते हैं, बड़ा बेहतरीन माहौल है, नो एब्यूसिंग, नो वायोलेंस, सब कुछ बिल्कुल बेहतरीन चल रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल्स, हर चीज़ रूल के हिसाब से चल रही है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कमांडर सिटी के अंदर बहुत सफाई सुथराई है दोस्तों, जगह जगह इन लोगों ने मतलब
सफाई वाले रखे हुए हैं, और यहाँ पर किसी किस्म की, कराची में आपने देखा होगा रोडों पर कचरा कीचड़ वगैरह ये सब यहाँ कराची में होता है। बाकी कमांडर सिटी को एक दफ़ा विजिट करें, आपको यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहेगा दोस्तों, ऐसे ज़बरदस्त माहौल देख के। अच्छा दोस्तों, मेरे से ब्लॉक्स के हवाले से किसी ने पूछा था यहाँ पर ब्लॉक्स की जो है वो कैसा मटेरियल यूज़ हो रहा है, और ब्लॉक्स का मतलब कितना यहाँ पर इशुएंस दी है, कब तक कंप्लीट होंगे। तो दोस्तों मैं आपको ये बताता चलूँ कि चंद ब्लॉक्स की जाकिर साहब ने इशुएंस दे दी है कि दिसंबर 30 तक या फिर जनवरी 2024 तक ये घर इशू हो जाएंगे। इसके अंदर ब्लॉक एफ आ जाता है, ब्लॉक जी आ जाता है, और ब्लॉक एच के कुछ ब्लॉक्स आ जाते हैं जो कि दिसंबर तक इन लोगों ने कंप्लीट करने का कहा है। इन ब्लॉक्स के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, आप वो वीडियोस या तो मैं लिंक दे दूंगा अपने कमेंट सेक्शन के नीचे या डिस्क्रिप्शन में, या आप उन वीडियोस को खुद जाके देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, ये सारी सिचुएशन मैंने आपको बता दी पिछली वीडियो में, मैंने जॉब का भी आपको बता दिया था, यहाँ पे आईटी सेक्टर्स का भी आपको बता दिया था, बाकी और कौन कौन सी चीज़ें रह जाती हैं, चीज़ें ये रह जाती हैं बिजली का भी आपको मैंने बता दिया था सारा। यहाँ पर बिजली भी 24 आवर्स मौजूद है कमांडर सिटी के अंदर, जो कि इनकी अपनी एम्प्लॉयमेंट और सप्लाई है। अच्छा ये चीज़ मैं आपको अपने ऊन बताता चलूँ कि यहाँ पर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन भी ज़रूरी होगी कि हेयर कट वगैरह की दुकान है यहाँ पर, यहाँ पर मतलब ये नाई वगैरह जो होते हैं ऐसा कोई सिस्टम है यहाँ पे? बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर दर्जी की भी दुकानें भी मौजूद है कमांडर सिटी के अंदर, टेलर भी मौजूद हैं, लेडीज़ जेंट्स दोनों कपड़े यहाँ पर मतलब ये यहाँ पर लोग सिलवाते हैं, बाकी यहाँ पर जो है वो सब कुछ मौजूद है दोस्तों। और कहाँ पे थे हम लोग दोस्तों, एक दर्जी की दुकान मौजूद हो गई और बाकी बहुत सारी दुकानें दोस्तों यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर किसी किस्म की कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है दोस्तों कमांडर सिटी के अंदर आपको, यहाँ पर मतलब हेयर ड्रेसर बैठे हुए हैं हेयर कटिंग के लिए सारा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और यहाँ पर एक कम्युनिटी हॉल भी मौजूद है दोस्तों, जो कि जाकिर साहब ने वो शकील साहब के अंडर किया हुआ है और वो मतलब उनके मैनेजर हैं। अच्छा दोस्तों, वहाँ पर कम्युनिटी हॉल की मैंने कभी भी वीडियो नहीं बनाई, कम्युनिटी हॉल की मैंने वीडियो बनानी है, वो आप ज़रूर आप वीडियो देखिएगा, मैं कुछ दिन तक वहाँ जाऊँगा और वीडियो बनाऊँगा उस हवाले से। और कम्युनिटी हॉल के अंदर मतलब जो मैरिज वगैरह हैं जो यहाँ पर मतलब लोग रहते हुए, आपको पता है शादी हॉल बुकिंग वगैरह में मसला होता है कमांडर सिटी से आने जाने में, तो इसने प्रोजेक्ट के अंदर ही जो है वो कम्युनिटी हॉल पब्लिश कर दिया है ताकि अंदर ही वो मैरिज वगैरह का सारा सिस्टम हो सके और डीलिंग वगैरह भी अंदर ही होती है। अच्छा दोस्तों, आगे आपको मैं ये बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है वो काफ़ी सारे ब्लॉक्स कंप्लीट हो चुके हैं। आई विल रेकमेंड यू कि आप एक दफ़ा कमांडर सिटी खुद विजिट करें ताकि आपको पूरी तरह, आपको लग रहा होगा कि मैं ये सारी बातें अपनी तरफ से कर रहा हूँ, ये सब मैं मतलब सिखाया, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, अपने उससे कह रहा हूँ मैं, आप खुद आके विजिट करें, आपको खुद ही मालूम हो जाएगी बात। अच्छा दोस्तों, हर चीज़ यहाँ पर परफेक्ट है, किसी हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, और पीने का मतलब मीठा पानी मिनरल वाटर दे रहे हैं ये लोग यहाँ पर, और जो है वो वैसे भी पानी जो आता है हमारे मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए वो भी बिल्कुल बेहतरीन है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है दोस्तों, इतनी सारी चीज़ें परफेक्ट हैं और क्या चाहिए दोस्तों आपको। रेंट्स यहाँ पर सस्ते हैं, हर चीज़ यहाँ पर, एम्प्लॉयमेंट रेट्स सस्ते हैं, इकोनॉमिकली एम्पावरमेंट कर रहे हैं ये लोग आपको, और आगे आपका फ्यूचर बना रहे हैं, इससे बढ़कर मेरे हिसाब से और कुछ नहीं हो सकता। सैटरडे बाज़ार लगता है दोस्तों यहाँ पर, सैटरडे बाज़ार के हर 2 वीक्स बाद वहाँ पर ये स्कूल के बच्चों को खुद चीज़ें देते हैं सेल करने के लिए, जिससे वो अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। अभी तो रिसेंटली 80,000 से 1 लाख प्रॉफिट बनाया था बच्चों ने अपना स्कूल के, और सैटरडे बाज़ार के अंदर यहाँ पर मजदूरों को और यतीम लोगों को, मिस्कीनों को ये लोग मुफ्त कपड़े मुफ्त राशन देते हैं। इतनी बड़ी बात कर रहा हूँ आपसे, आप हफ्ता बाज़ार कभी विजिट करें और रश देखें आप गरीब लोगों का, गरीब लोगों को जाकिर साहब कपड़े देते हैं, खाना हर चीज़ फ्री रेस्टोरेंट का तो मैंने वैसे ही बताया हुआ आपको, तो ये मतलब हर चीज़ मतलब इनकी परफेक्ट है, हर चीज़ ये लोग मतलब सही लेके चल रहे हैं, और एक दफ़ा विजिट ज़रूर करें। मैं बार बार यही इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको खुद भी बिलीव हो सके, आपको ये ना लगे कि मैं कोई सिखाया हुआ बंदा हूँ। और ये भी याद रखें कि कमांडर सिटी के अंदर हर चीज़ परफेक्ट है, और कमांडर सिटी के अंदर मतलब ट्यूशन वगैरह का भी मेरे से ट्यूटर वगैरह क्या, हाँ एक ट्यूटर का मेरे से किसी ने पूछा था, तो दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल ट्यूशन वगैरह बिल्कुल मौजूद हैं जहाँ पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, तो आप मतलब वो अपना खुद ही मैनेज कर लीजिएगा, वो सारा इतना बता दूँ यहाँ पर ट्यूटर और ट्यूशन वगैरह की सिचुएशन भी मौजूद है, अवेलेबल है। और यहाँ पर मेरे से किसी ने पूछा था चीज़ें वगैरह जो है वो परचेस करने के लिए यहाँ पर कोई स्पेसिफिक मार्ट वगैरह है, तो दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर इन लोगों ने एक मार्ट बनाया हुआ है सेपरेटली, वहाँ पर इन लोगों की मतलब सारी चीज़ें, आप सर्फ वगैरह कुछ भी आप जो चाहें वहाँ से ले सकते हैं, उल्टा आपको डिस्काउंट दिया जाएगा एज ए रेजिडेंट, जब आप अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हैं तो आपको डिस्काउंट भी देंगे वो चीज़ों पे। बस एक दफ़ा मार्ट भी विजिट कीजिएगा, मार्ट का इतना बेहतरीन माहौल है, सफाई सुथराई है, और वहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, हर चीज़ बेहतरीन है दोस्तों। और ये कभी सीसीआई प्रोडक्ट्स को आप जो है वो ट्राई भी करें ताकि अच्छी आपका एक्सपीरियंस रहे।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए करें। मैं आपसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।